भाई देखिए, घातांक और करणी से संबंधित एक ऐसा सवाल है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लगभग 12 से 13 स्टूडेंट ने उसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप किया है और कहा है, सर जी ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कैसे क्या हुआ है, जबकि ये सवाल अरिहंत की बुक में दिया हुआ है और उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 99% स्टूडेंट इस सवाल को लेकर के कन्फ्यूज हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर उस सवाल का कन्फ्यूजन दूर करूंगा और बिल्कुल 100% आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे उसका आंसर उतना आएगा जितना बुक में दिया हुआ है। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सवाल है कि 2 की पावर x = 3 की पावर y = 36 की पावर z 2 की पावर x = 3 की पावर y = 36 की पावर z। तो z का मान क्या होगा यही बताना है, 4 विकल्प दिया हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हैं तो क्या गम है। ज़रा देखो ध्यान से, एक दूसरे के बराबर है ये तीनों, इतना बराबर, इतना, इतना बराबर, इतना, या इसको ऐसे समझें कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो इसको कैसे करेंगे। 2 की पावर x बराबर हम इसको लिखेंगे 36 की पावर z। अब इसी को जरा चेंज कर देते हैं हम 2 की पावर, अब ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो। अब 3 की पावर y = 36 की पावर z, 3 की पावर y = 36 की पावर z। इतना तो आप समझ गए ना, इसमें तो कुछ नया है नहीं, इसमें तो ज़्यादा समझाना है नहीं, अब इसके आगे जो काम होगा उसको समझना है। अब देखो हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इन दोनों का आपस में क्या कर दें, गुणा, समीकरण 1 गुणे 2 से जब गुणा करेंगे तो इतना इंटू इतना 2 की पावर x * 3 की पावर y, और फिर इतना इंटू इतना दाहिना पक्ष गुणे दाहिना पक्ष होता है 36 की पावर z और गुणे 36 की पावर z। आप यहाँ तक समझ गए? अब जरा आगे से देखो, ध्यान से देखो। अब 36 की पावर दिया है ना, तो 2 की पावर x * 3 की पावर y बराबर 36 की पावर z, और z जोड़ेंगे तो 2z होगा ना। अब 36 को तुम 6 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो ना, तो 2 की घात x गुणे 3 की घात y बराबर 36 को 6 का स्क्वायर लिखा आपने और इसके ऊपर 2z घात, घात का घात में कर देंगे गुणा, घात का घात में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर x * 3 की पावर y बराबर 6 को रहने दो, और 2 × 4z हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसके आगे भी समझ में आएगा, गारंटी है इसके आगे भी समझ में आएगा ही आएगा। अब देखो जरा, मैं इधर करता हूँ, ज़्यादा जगह नहीं लूँगा, इधर करता हूँ। देखो 2 की घात x 3 की घात y, समझे मेरे भाई? अब देखो 6 को आप 2 टुकड़ों में बांटो, कितना, 2 × 3, 6 बनेगा 2 × 3, 6 के ऊपर 4z है तो 6 के अंदर 2 × 3 आ गया, तो 4z 2 के ऊपर भी आएगा, 3 के ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 4z किसके ऊपर है, 6 के ऊपर है, तो ये और ये दोनों मिला के क्या हुआ, 6 हुआ, तो 6 के ऊपर हम 4z लिखेंगे, तो ये भी आपका 4z घात हो गया, और 3 के ऊपर भी 4z घात हो गया। यहाँ तक आप समझ गए? अब यहाँ तक समझ गए तो इसके आगे भी समझेंगे। अब आप तुलना करो, तुलना करेंगे कि 2 की घात इधर जो चीज़ है और 2 की घात इधर है, उतना बराबर उतना लिखेंगे, मतलब 2 की घात वाले की तुलना 2 की घात वाले से, तो 2 और 2 समाप्त, x = 4z, और इधर देखो 3 की घात y, 3 की घात 4z, तो y = 4z हो जाएगा, समझ गए? अब एक काम करो, तुम 4 को इधर लाओ, इस 4 को इधर लेकर आओ, तो जब 4 इधर आएगा तो x/4 हो गया बराबर z, इधर आएगा 4 तो y/4 हो गया बराबर z। अब तुम सोच रहे हो कि z का 2 मान आ गया, x/4 और y/4, जबकि तुम्हारे ऑप्शन में कहीं पर ऐसा दिया ही नहीं है कि अलग अलग x/4 y/4, ऐसा नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं हम, इसको और इसको दोनों को फिर से जोड़ते हैं, इसको और इसको दोनों को फिर से जोड़ देते हैं। तो जब फिर से जोड़ देंगे, ये मान लो समीकरण 3 हो गया तुम्हारा, ये मान लो समीकरण 4 हो गया, 3 4 को जोड़ोगे तो z में z जोड़ेंगे
तो 2z होगा, x बटे 4 प्लस वाई बटे 4 तो हो जाएगा x प्लस वाई बटे 4 हो जाएगा ना। अरे भाई 4 और 4 लग उत्तम है, तो x बटे 4 वाई बटे 4 जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बटे 4 हो गया। अब ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा, ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो गया, तो z बराबर आपको क्या मिला, x प्लस वाई अपान 2 चला जाएगा, नीचे 4 के पास 2 आएगा, 4 के पास तो 2 चौका 8 हो जाएगा। तो जिसमें ये वाला विकल्प है x प्लस वाई बटे 8, वही विकल्प आपका सही है। क्या x प्लस वाई बटे में 8, ये आपका विकल्प ए वाला सही है। कोई कन्फ्यूजन है, नहीं है। और इसमें एक कमी ये हो गई कि लंबा हो गया प्रोसीजर, तो मैं ये सोच रहा था कि आपके समझ में आ जाए, प्रोसीजर भले ही लंबा हो जाए। एक बार जब आप इसको समझ लोगे तो इसके बाद ऐसा सवाल यदि आपको मिले कहीं से, तो आप उसको अपने हिसाब से जितना हो सकता है उतना डायरेक्ट कर सकते हो। सही बात है ना। अगर मेरी बात से सहमत हो ना तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अब भाई साहब अगला सवाल भी वास्तव में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जानदार है, इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह का सवाल घुमा फिरा करके आता ही आता है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, आपके साथ मैं हूँ और आपको 100% गारंटी के साथ समझाने वाला हूँ आज का ये सवाल। सवाल आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर बगल में, और हम थोड़ा सा नीचे उसको देखना चाहेंगे। a की पावर x इक्वल टू बी, बी की पावर y इक्वल टू सी, सी की पावर z इक्वल टू a, तो x y z का मान क्या है, दिया है a की पावर x इक्वल टू बी और b की पावर y इक्वल टू सी, सी की पावर z इक्वल टू a। तो x y z की वैल्यू पूछ रहा है, x y z की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, एकदम आसान तरीके से हम लोग इसको करने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ C लिखा है, इस C की जगह पर C का ये वाला मान यहाँ रख दो, देख रहे हो ना, C हटा दो, C की जगह पर C का ये वाला मान लिख दो, B की घात Y, इसके ऊपर Z घात है, तो बराबर A लिख दिया मैंने, लिख दिया, Y का Z में गुणा कर दो तो B की घात वाई जेड हो गया बराबर ए। यहाँ तक समझे। अब इसके आगे देखो क्या होता है, इसके आगे अब बी की जगह पर बी का मान यहाँ से ले लो, ये वाला बी का मान ये वाला ले लो, बी को हटाओ, इसकी जगह पर बी की वैल्यू ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, और इसके ऊपर वाई जेड घात है ना बराबर ए। अब घात का घात में गुणा कर दो, ए की पावर एक्स वाई जेड बराबर ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों की जब तुलना करोगे तो ए और ए समाप्त, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप स्वयं देख लीजिए। अगर समझ में आया हो ये दोनों सवाल तो बस आप केवल दो दो लोगों को इस वीडियो का लिंक शेयर करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।